गुड मॉर्निंग एवरीबॉन, माई सेल्फ संतोष चौबे। और हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के सीरीज में आज ही क्लास में पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पे प्रातः वंदना करेंगे या कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरिओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में यह बातचीत किया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज एंटरटेन्ड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत का जो संवैधानिक विकास है इसकी यात्रा शुरू होती है विनियमन अधिनियम 1773 के माध्यम से, एंड दैट वाज द एक्ट विच वाज passed by the British Parliament first time in the matter of administration of the company। कंपनी के प्रशासन के संबंध में यह पहला अधिनियम था जिसको ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उस एक्ट के माध्यम से एक कॉलेजिएट गवर्नमेंट अर्थात एक सामूहिक प्रकार के सरकार के प्रावधान किए गए थे। सामूहिक प्रकार का सरकार का मतलब यह है कि देयर वाज अ गवर्नर जनरल एंड एक्सिक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल था और उसके साथ में कार्यकारिणी परिषद थी। कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कुल 4 थी। डिसीजंस वेयर हैव टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी एंड द गवर्नर जनरल वाज गिवन द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। जो कार्यकारिणी परिषद थी उसको यह अधिकार दिया गया था कि पहले निर्णय वही लेगी और यदि वह निर्णय बराबरी पर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। फर्दर मोर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड सबऑर्डिनेट बट ओनली इन द एक्सटर्नल मैटर्स टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, लेकिन केवल बाह्य मामलों में, आंतरिक मामलों में वे स्वतंत्र रखे गए थे। अब देखो, हम लोगों ने बातचीत की कि चाहे वह कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी राष्ट्र हो, नो बॉडी और नो सिस्टम इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। कोई व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं होती, और जब उसमें समय के साथ में जब हम उसको व्यवहार में लाते हैं और उसमें जब कमियां आती हैं तो वी डू सम अमेंडमेंट्स इन इट, तो हमें उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत पड़ती है, हमें उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मैंने आपको कल के क्लास में बता दिया था कि सबसे बड़ा जो दोष था वह था रेगुलेटिंग एक्ट का, कि यहाँ पर जो एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होगा, दैट वॉज नॉट क्लियरली मैंशनड, उसको सही तरीके से वर्णित नहीं किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जुडिशियरी के रूप में भारत में शीर्ष पर दो संस्थाएं काम कर रही थी, एक तो कंपनी का गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के साथ और दूसरा ब्रिटेन की सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। चूँकि दोनों के जुरिस्डिक्शन, दोनों के क्षेत्राधिकार पूरी तरीके से मेंशन नहीं थे, पूरी तरीके से वर्णन नहीं किया गया था, एंड सो क्लैशेस बिटवीन देम वाज नेचुरल, और इस कारण से उनके बीच में विवाद होना लाजमी था। तो मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट लाया गया या अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और जिसके माध्यम से जो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा है उसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर दिया गया। अब जिससे इसमें आने वाले विवाद जो है ये तो समाप्त हो गया। लेकिन दूसरा एक इसमें दोष यह था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसकी पदवी इतनी बड़ी थी, लेकिन कार्यकारिणी परिषद में वह एक प्रकार से मैं कहूँगा कि वह मिक बैठता था, क्योंकि कार्यकारिणी परिषद मेजोरिटी के साथ में डिसीजन ले लेती थी। जब मामला बराबरी पर छूटता था तभी वोट देने का अधिकार दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को।
तो आज की जो का जो हम लोग का क्लास की क्लास है वह क्लास है आपकी 1784 के पिट इंडिया एक्ट के बारे में है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जो रेगुलेटरी 1773 था उसमें यह लिखा गया था कि कंपनी के लिए यह जो नियम हम बना के दे रहे हैं यह नियम 5 सालों के लिए है। तो 5 साल 73 के बाद 5 साल आया 78 में, और 78 के बाद 5 साल फिर के लिए बढ़ाया गया उसको, तो यह आ गया 83 में। तो 1783 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी अवधि समाप्त होने जा रही थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कंफ्यूजन हो, एक चार्टर एक्ट भी चल रहा था साथ में नियम, और उस चार्टर एक्ट के लिए कहा गया था कि कंपनी 20 साल के बाद अपने चार्टर का रिन्यूअल करा ले। तो चार्टर के रिन्यूअल का टाइम तो नहीं आया था, लेकिन ब्रिटेन के संसद द्वारा जो पारित किया गया 1773 कानून था उसके रिन्यूअल का टाइम आ गया था। 1773 में पारित हुआ था, 5 साल की अवधि रखी गई थी, 78 में 5 साल फिर बढ़ाया गया था इसको, एंड इन 1783 इट वॉज द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यह 1783 में इसका समय आ गया कि इसका रिन्यूअल कराया जाए। आइए हम लोग देखते हैं इसका रिन्यूअल किस प्रकार से किया गया। तो देखो सब इसके रिन्यूअल का टाइम आ गया, तो रिन्यूअल के टाइम में सबसे पहली बात जो की गई वो यह किया गया कि सब आप देखो आपको पता है कि जब हमें संसद में कोई भी कानून बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे कोई ना कोई बिल या विधेयक लेकर के आते हैं या कोई प्रस्ताव लेकर आते हैं जिस प्रस्ताव को हम विधेयक कहते हैं। तो वहां पर एक विधेयक ब्रिटेन के संसद में एक विधेयक लाया गया कि कंपनी के लिए नया नियम बना के दिया जाए। और यह जो विधेयक लाया गया इस विधेयक का जो नाम था वह नाम था डंडास बिल। इसका नाम था डंडास बिल, अर्थात डंडास विधेयक, अर्थात डंडास विधेयक। अब मैं आपको यहां पे समझाऊं। देखो डंडास वाज द पार्लियामेंटेरियन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। डंडास ग्रेट ब्रिटेन के एक पार्लियामेंट्री अर्थात पार्लियामेंटेरियन अर्थात सांसद थे। तो वहां पर इसको लेकर के आए विधेयक को, और जब विधेयक को लेकर के आए तो यह महीना था अप्रैल, अप्रैल का महीना था अप्रैल 1783। 1783 में यह डंडास बिल को लेकर के आए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ही वाज असक्सेसफुल टू गेट थ्रू इट, वह इसको पारित कराने में असफल हो गए। इसके बाद वहां पर विलियम जो लॉर्ड नॉर्थ हैं, लॉर्ड नॉर्थ और वहां पे फॉक्स, इन दोनों की कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी। तो गवर्नमेंट की सरकार के लोग नवंबर 1783 में यह बिल खुद लेकर के आए, जिसको नॉर्थ बिल के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन बता दूं कि 208 के मुकाबले 108 से यह बिल जो है यह असफल हो गया, यह बिल पारित नहीं हो पाया। परिणाम यह हुआ कि जो जॉर्ज थर्ड थे ब्रिटेन के आपके राजा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन ऑन द मैटर ऑफ व्हेन इन द मैटर ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया एनी गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड। यह पहला मौका था जब भारत के मामले पर किसी सरकार को अपना अपने जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। और इसके बाद विलियम पीट को बनाया गया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। जनवरी 1784 में विलियम पीट जब प्रधानमंत्री बने तो वे फिर इस बिल को लेकर के आए। हालांकि कुछ टेक्निकल उसमें इश्यूज आ रहे थे, फिर से दोबारा जब इसको लेकर के आए वो 1784 नवंबर के महीने में, तो यह बिल पारित हो गया, यह बिल पास हो गया। और इस बिल को कहा गया पीट्स इंडिया एक्ट 1784, पीट्स इंडिया एक्ट 1784। तो मैं आपको यहाँ पे आपको पीट्स इंडिया जो एक्ट है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, मैं अब यहां पर आपको इसका डिटेल कर देता हूं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट। देखो मैं फिर से बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास्ड ओनली फॉर 5 इयर्स। रेगुलेटिंग 1783 जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा कंपनी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए पहला नियम कानून बनाया गया था, उस नियम कानून की अवधि सिर्फ 5 साल थी। बट इन 1778 इट वॉज एक्सटेंडेड फॉर 5 मोर ईयर्स। लेकिन 1778 में इसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दैट मीन्स इट वॉज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड इन 1783। इसका मतलब यह था कि 1783 में इसकी अवधि समाप्त हो रही थी, अतः इट वॉज द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द
एक्ट ऑफ द कंपनी, इसलिए कंपनी के संबंध में जो अधिनियम पारित करना था उसके नवीनीकरण का समय आ गया था। तो सब समय आया तो सबसे पहले एक बिल लेकर के आए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, जिनका नाम था डंडास। डंडास बिल लेकर के आए, लेकिन यह बिल पारित हो नहीं पाया। और इस प्रकार से जब बिल पारित नहीं हो पाया तो दूसरा बिल लेके आए लॉर्ड नॉर्थ, जो वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और जब वे इसको पारित कराने में हाउस ऑफ कॉमन्स में तो सफल हो गए थे, लेकिन जब यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो ये वहाँ पर पारित नहीं हो पाया। परिणाम यह हुआ कि जॉर्ज तृतीय ने ब्रिटेन की सरकार को बर्खास्त कर दिया और इसके बदले में वहाँ पे विलियम पिट को बनाया गया प्रधानमंत्री। जब विलियम पिट प्रधानमंत्री बने तो फिर से यह बिल को लेकर के आए। तो पहला जो बिल आया था वो किसी टेक्निकल या तकनीकी कारण से वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरा बिल जब आया तो पास हो गया, और चूंकि यह विलियम पिट के द्वारा प्रस्तावित किया गया विधेयक था, इस कारण से यह जो अधिनियम बना, इस अधिनियम को हम लोग विलियम पिट का अधिनियम या विलियम या इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रोविजन या प्रावधान किए गए। देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें एक और भी कमी थी, और वो कमी यह थी कि यहाँ पर कंपनी के लोग को ही पूरी तरीके से प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। अब आप सोचो कि कल तक जो व्यक्ति चोरी कर रहा था वो चोर का नाम आप सिपाही कर दोगे तो क्या वो चोरी करना छोड़ देगा क्या? मैं समझता हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नाम बदलने से नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। अगर आप अंदर से चेंज नहीं होते हो तो जाहिर सी बात है, नाम बदलने से, कपड़े बदलने से, वेश बदलने से, आप क्या कुछ भी आप बदल लो, नो नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज इन योर लाइफ। आपकी जो कुछ नहीं बदलना चाहिए बदलेगा। तो कंपनी के लोग जो भारत में लूटखसोट मचाए थे, जिसके कारण से प्रशासनिक दक्षता अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई थी, ऐसी स्थिति में यदि सरकारी लोगों को वहाँ पे नहीं रखा जाता तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो यही कारण है कि 1784 के जो पिट इंडिया एक्ट आया उसमें सबसे पहली बात इसी पर ध्यान फोकस किया गया। कहा कि नहीं, अब लंदन में कंपनी के जो निदेशक का डायरेक्टर बैठते हैं उनके साथ में कुछ सरकारी लोग भी रहेंगे और एक दो बॉडी बनाई जाएगी कंपनी के शीर्ष पर। तो यहाँ पर क्या किया गया मैं आपको बताऊँ कि जो कंपनी का शीर्ष है उस कंपनी के शीर्ष पर यहाँ पर दो बॉडी बनाई गई कंपनी के शीर्ष पर। जो पहली बॉडी है उस बॉडी का नाम रखा गया यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ऑलरेडी पहले से था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल। तो पहला तो यह आपका निदेशक मंडल ऑलरेडी हुआ, और आपको पता ही है कि निदेशक मंडल में कुल मिलाकर के 24 डायरेक्टर होते थे। इनका चुनाव जो कंपनी के आपके शेयर होल्डर होते थे उनके माध्यम से होता था। इनका कार्यकाल होता था 4 साल, और हर आपके एक वर्ष में 1/4 सदस्य है वो रिटायरमेंट पा जाते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से निदेशक मंडल हो गया। और दूसरी यहाँ पर जो बॉडी बनाई गई उस बॉडी का नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अगर हम लोग हिंदी में कहें तो इसका मतलब हो गया नियंत्रक मंडल। तो यहाँ पे दो प्रकार की बॉडी क्रिएट की गई, मतलब सॉरी एक नई बॉडी बनाई गई जिस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इन द वर्टेक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन देर आर टू बॉडीज, जो प्रशासन का शीर्ष है उस पर दो यहाँ पर निकाय काम कर रही है, एक निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल। और जब ऐसी व्यवस्था होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूअलिटी, या इसको हम लोग यहाँ गवर्नमेंट से संबंधित है इसको कहेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट। बट वेयर, कहाँ? तो ड्यूअल गवर्नमेंट इन लंदन। और किसके संबंधित? तो यह था कंपनी के संबंधित। तो कंपनी से संबंधित यहाँ पर एक दोहरी प्रकार की सरकार लंदन में शुरू की गई। और शुरू करने का कारण क्या था? कारण यह था कि एक नई बॉडी आ गई थी जिस बॉडी का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन के अंदर आ रहा होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें कौन से लोग होते थे, क्योंकि निदेशक मंडल में तो कंपनी के ही लोग होते थे और जिनका चुनाव कंपनी के शेयर होल्डर या कंपनी के शेयरधारकों के माध्यम से किया जाता था। तो हाउ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अपॉइंटेड, जो नियंत्रक मंडल के लोग थे उनका अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसे होती थी? तो आइए मैं आपको जरा थोड़ा सा आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बता दूं। तो यहां पर आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है,
यह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रक मंडल, तो सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि इसमें जो सदस्य की संख्या रखी गई, नंबर ऑफ मेंबर्स जो रखे गए, नंबर ऑफ मेंबर्स अर्थात सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या यहां पर रखी गई 6, सदस्यों की संख्या रखी गई 6। अब यह था कि 6 सदस्य जो है वो कौन थे, तो 6 सदस्य जो है आपको 1, 2 और 3 पार्ट में बटे थे। सबसे पहले नंबर 1 कि जो राज्य का होता था प्रधान सचिव अर्थात प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ब्रिटेन का प्रधान सचिव होता था, पहला सदस्य तो यहाँ पर हुआ हो गया। दूसरा यह होता था कि जो आपका चीफ ऑफ एक्सचेकर का मतलब हो गया आपका कि जैसे हमारे यहाँ होते हैं वित्त मंत्री, तो वैसे वहां पर जो वित्त मंत्री होता था उस वित्त मंत्री को चीफ ऑफ एक्सचेकर अर्थात उसको खजांची का प्रधान कहा जाता था। और नंबर 3 में जो तीसरे लोग थे वह था आपका प्रिवी काउंसिल। अब आप बोलोगे सर जी प्रिवी काउंसिल क्या है, देखो प्रिवी का मतलब होता है प्राइवेट सीक्रेट, तो एक ऐसी काउंसिल जो सीक्रेटली काम करती थी, मतलब इसका मतलब समझ लो कि देखो एक्चुअली में जब 1066 में इंग्लैंड में नॉर्मन वंश का शासन शुरू हुआ, तो नॉर्मन वंश का जो शासन था उसके माध्यम से फ्यूडलिज्म या सामंतवाद लाया गया था, यह सामंतवादी व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। और सामंतवादी व्यवस्था में जैसा आप जानते हो वह सामंत होता है और उसके नीचे जो है वह लॉर्ड्स काम करते हैं, ये पूरी व्यवस्था ऐसे ही चलती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1215 आया और राजा जॉन ने क्या किया, उसने फ्रांस के साथ होने वाले युद्ध को देखते हुए जब टैक्स बढ़ा दिए, तो सामंतों ने इसका विरोध किया कि हमसे बिना पूछे आपने इतना बड़ा निर्णय क्यों ले लिया, तो बाद में यहाँ पर मैग्ना कार्टा लाया गया था। और वहीं से राजा ने एक बॉडी क्रिएट की जिसका नाम था आपका क्यूरिया रेजिस। और वह जो क्यूरिया रेजिस है उसमें जो सदस्य होते थे उनसे वह क्या करता था, उससे वो सलाह लेता था। धीरे धीरे यह जो बॉडी हो गई, इस बॉडी में वे लोग रखे जाने लगे जिससे राजा परामर्श करता था, और यही बाद में बॉडी जो है वह कहलाई प्रिवी काउंसिल। मैं बताऊँ आपको कि आज भी प्रिवी काउंसिल काम करती है, आज प्रिवी काउंसिल काम करती है। और यह जो प्रिवी काउंसिल है, इस प्रिवी काउंसिल को आप भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भारत के मंत्री परिषद से आप इसकी तुलना कर सकते हो। और इस मंत्री परिषद की जैसे कि एक जो है कमिटी है, एक जो है समिति है, जिस समिति को हम लोग कैबिनेट कहते हैं, वैसे ब्रिटेन में भी ऐसे ही होता है। प्रिवी काउंसिल में जो कमिटी होती है उस कमिटी को जो है कैबिनेट कहते हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो है मंत्रियों को रखा जाता है। तो प्रिवी काउंसिल इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि प्रिवी काउंसिल में जैसे इस समय बात करेंगे तो 7.5 सदस्य है ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। तो प्रिवी काउंसिल में जो एक प्रकार से कहा जाएगा कि राजा को या रानी को, जो सम्राज्ञ सम्राज्ञी थी, ताज को एडवाइस करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए जो कमेटी होती थी उस कमेटी को कहा जाता था प्रिवी काउंसिल। तो यहाँ पर रखा गया कि प्रिवी काउंसिल में से 4 सदस्यों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 हो गई। कौन कौन सदस्य हो गई, तो पहला हो गया प्रधान सचिव। दूसरा यहाँ पर जो व्यक्ति है वह व्यक्ति आपका हो गया वित्त मंत्री वहां का। और तीसरा हो गया प्रिवी काउंसिल के 4 लोग, कुछ सदस्यों की संख्या 6 हो गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन लोग होते थे भाई, तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है आपके 6 सदस्य होते थे। और आप देख ही रहे हो कि सभी लोग कौन है, दे ऑल आर गवर्नमेंटल पर्सनल या गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स, ये सभी सरकार के अधिकारी एक प्रकार से हैं, तो ये सब सरकारी लोग हैं। तो पहली बार कंपनी के साथ में सरकारी लोगों को जोड़ा गया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, व्यवस्था कहा गया ड्यूअल गवर्नमेंट। चलिए अब एक दूसरा यहाँ पे सवाल आ गया, एक क्वेश्चन आया कि जो इंग्लैंड में काम करने वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, जो इंग्लैंड में काम करने वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, निदेशक मंडल, तो यह जो निदेशक मंडल है जिसमें कितने लोग होते थे, 24 डायरेक्टर होते थे, यह जो निदेशक मंडल है, इस निदेशक मंडल के साथ में जो नियंत्रक मंडल के लोग हैं वह किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे जो है वह व्यवस्था बनेगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दूसरे के बीच में जब तक अगर कोई बॉडी एक ही के लिए काम कर रही है, उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, और तो या उनके बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है व्यवस्था आगे ठीक से चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पर कहा गया कि जो निदेशक मंडल के 24 डायरेक्टर हैं, इन्हीं में से
तीन डायरेक्टरों को लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी जो कहलाएगी सीक्रेट कमेटी, जो कहलाएगी सीक्रेट कमेटी, जो कहलाएगी सीक्रेट कमेटी, अर्थात एक गुप्त समिति बनाने की बात की गई, एक गुप्त समिति बनाने की बात की गई। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न आता है कि पहला वह कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से एक गुप्त समिति का प्रावधान किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कि यह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो एक गुप्त समिति बनाई गई जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई, तो संख्या रखी गई सदस्यों की 3 सदस्य रखे गए। नियंत्रक मंडल के जो भी पेपर होते थे वह पेपर डिस्पैच होता था इसी आपको गुप्त समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के पास। अगला कि देखिए, अब आपको एक बात समझ में आ रही है, आप कहोगे सर जी जो ड्यूअल गवर्नमेंट था उस ड्यूअल गवर्नमेंट के कारण से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी आपको, और इसी कारण से लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जिस व्यवस्था से हम परेशान हो गए उसी व्यवस्था को फिर से लेकर आने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दूध से जल जाता है वह छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वह छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और यहाँ पर देखो यही हुआ कि ब्रिटेन की सरकार ड्यूअलिटी के बारे में जानती थी कि ड्यूअलिटी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का देखो क्या समाधान निकाला। उन्हें कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर कंपनी के शीर्ष पर आप बैठे हुए हो, कंपनी के शीर्ष पर आप बैठे हुए हो, तो कंपनी को अगर हम लोग यदि उसके प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो यहाँ पर आपका हो गया निदेशक मंडल के लोग, अर्थात हो गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा यहाँ पर हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इनके नीचे काम कौन करेगा, तो काम करेगा आपका गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ का, तो ऑफ बंगाल। इनके नीचे काम करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे कौन काम कर रहा है भाई, तो यहाँ पर आपके गवर्नर्स काम कर रहे हैं, गवर्नर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर काम कर रहे हैं, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास के जो है यहाँ पे गवर्नर जो है वो गवर्नर जनरल के अधीन काम कर रहे हैं बंगाल के। अब देखो क्या किया गया, कहा गया कि सुनो जब कभी भी ये कहा कि जब कभी भी यहाँ पे यदि मामला हो व्यापार का, यदि मामला हो ट्रेड का, व्यापार का मामला, तो व्यापारिक मामलों में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वह जो ऑर्डर लेगा, या जो गवर्नर्स है वो ऑर्डर लेंगे आपको निदेशक मंडल के द्वारा, वे निदेशकों से या डायरेक्टर से यहाँ पर लेंगे किसी प्रकार का भी कोई भी आदेश। लेकिन जो मामला होगा प्रशासन का, अगर मामला प्रशासन का है तो प्रशासन के मामले में यह जो आदेश लेंगे, यह आदेश लेंगे आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, मतलब नियंत्रक मंडल से। तो जो नियंत्रक मंडल था उसके कहा गया कि प्रशासन का आदेश लेंगे, और जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनसे कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल वह निदेशकों के माध्यम से आज्ञा लेने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि पहली बार अगर पूछा जाए कि कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, तो 1784 के पीट इंडिया के माध्यम से। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्यों को रखा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 सदस्यों को रखा गया। अगला प्रश्न कि ये जो सदस्य 6 सदस्य थे, ये सदस्य कौन कौन थे, तो पहला था प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव, दूसरा था चीफ ऑफ एक्सचेंजर अर्थात वित्त मंत्री, और तीसरा और 4 जो लोग थे वो प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे, मतलब प्रिवी काउंसिल मतलब है कि वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोग। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या 6 रखी गई। नंबर 3 कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो निदेशक मंडल है और नियंत्रक मंडल है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो उसका आंसर हो जाएगा एक गुप्त समिति के द्वारा। सदस्यों की संख्या 3 थी, वो आते कहां से थे, तो गुप्त समिति के जो 30 सदस्य थे वो सभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ही से आते थे, निदेशक मंडल से आते थे। उनका काम क्या था, काम यह था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो नियंत्रक मंडल है, वह कोई भी अगर उसको आगे देना होता था तो वह क्या करती थी, वह अपना आज्ञा उस 3 गुप्त समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के पास भेज देती थी। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात कर नेक्स्ट जो है पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहां पर अगला जो इसमें प्रावधान या प्रोविजन हो गया, मैं इसमें आपको बता दूं, अगला नेक्स्ट इसमें जो प्रोविजन आया वह आपका यह आ गया। अब देखो आपने देखा था कि अगर हम लोग बात करें
यदि हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं क्या अब देखो हम लोगों ने बातचीत किया था कि जो आपके तो जो आपका गवर्नर था बॉम्बे का जो गवर्नर था आपका मद्रास का इन दोनों गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके इनको अधीन कर दिया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए यह अधीनता कैसी थी, सबोर्डिनेशन कैसा था। तो सिर्फ वाह मामलों में था, मतलब आंतरिक मामलों में जो इंटरनल मैटर्स था उस आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन मैं बता दूं कि जो 1784 का पीट इंडिया एक्ट आया उसमें कहा गया कि नहीं, अब वाह मामलों के साथ साथ आंतरिक मामलों में भी यह अधिकार होगा कि आप जो है गवर्नर जनरल के अधीन ही काम करोगे। इस प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए तो आप कह सकते हो कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर कंप्लीटली सबॉर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन पूरी तरह से अधीन कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को। कहने मतलब यह है कि अब चाहे वो टैक्सेशन का मामला हो, चाहे प्रशासन का मामला हो, चाहे युद्ध का मामला हो, चाहे संधि का मामला हो, कोई भी मामला हो, तो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे अब वे उनको गवर्नर जनरल के सहमति के हिसाब से ही कार्य करना था। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक रियल में कंपनी की तरफ से चिप बना दिया गया भारत में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखो यहां पर एक और जो है अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगला जो इसमें पॉइंट है वो पॉइंट यह है कि यह कहा गया कि अगर आपको जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, मतलब निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, तो निदेशक मंडल से कहा गया कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति जो है, उस नियुक्ति का अधिकार आपको बना रहेगा, उस नियुक्ति का अधिकार आपको बना रहेगा। लेकिन यहां पर एक अमेंडमेंट है, एक सुधार है। सुधार क्या है कि जब आप बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना, गवर्नर जनरल की नियुक्ति करना, तो इस प्रकार से ब्रिटेन के ताज के अंतिम अनुमति के बाद ही आप ऐसा कर पाओगे। लेकिन जो अन्य गवर्नर होंगे उन गवर्नरों की जो नियुक्ति होगी वह कंपनी के निदेशक करेंगे, वहां पर सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब इनको बर्खास्त करने की बात होगी, या इनको डिस्चार्ज करने की बात होगी, तो यह कहा गया कि इनका जो डिस्चार्ज है, इनकी जो बर्खास्तगी है, तो यह जो बर्खास्तगी होगी, इस बर्खास्तगी में कहा गया कि इनको बर्खास्त करने के लिए, चाहे वो बर्खास्त गवर्नर जनरल को करना हो, चाहे गवर्नर करना हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई बर्खास्तगी इस प्रकार की जाती है तो निदेशक मंडल को बर्खास्त करेंगे तो बिना ब्रिटेन के ताज की पूर्व अनुमति के नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहने मतलब यह है कि ताज की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया। तो फिर से बताऊं मैं आपको कि यह कहा गया कि जो निदेशक मंडल है, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के डायरेक्टर जैसे कंपनी कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, नियुक्ति वह करते रहेंगे। बट देयर इज ओनली चेंज इज दैट इफ दे अपॉइंट गवर्नर जनरल प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर जनरल देन अप्रूवल ऑफ द
क्राउन ऑफ द ब्रिटेन इज एसेंशियल, यदि वे ब्रिट गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते हैं तो ब्रिटेन के ताज की सहमति आवश्यक होगी। लेकिन जहां तक गवर्नर के नियुक्ति का सवाल है, जब गवर्नर की नियुक्ति करेंगे तो वहां पर उनको किसी प्रकार की कोई भी पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन मैटर ऑफ डिस्चार्ज डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव टू टेक कंकरेंस फ्रॉम द क्राउन, उनको जो है ताज की अनुमति लेनी पड़ेगी। विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द क्राउन दे कुड नॉट डू इट, वे बिना ताज की पूर्व अनुमति के ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक नेक्स्ट पॉइंट था। अब आइए हम लोग उस पर आगे के पॉइंट पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा चेंज यह आया कि आपने देखा कि किस प्रकार से वारन हेस्टिंग्स को 1773 के रिवर्जिंग एक्ट में पूरी तरह से शक्तिहीन बना दिया गया था। उनके कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य रखे गए थे और 4 में से 3 लोगों की गुटबंदी हो गई थी और इस प्रकार से वो जा करके भी वह कोई भी काम करवा नहीं पाते थे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम यह किया गया कि जो कार्यकारिणी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की जो सदस्य संख्या घटा करके 4 के जगह में अब सिर्फ 3 कर दिया गया। और यह भी कहा गया कि जो 3 सदस्य होंगे उनमें से एक होगा कमांडर इन चीफ अर्थात मुख्य सेनापति। तो यहाँ पर यह कहा गया कि उसमें से एक मुख्य सेनापति को रखा जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 में यहाँ पे आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने पर यहाँ पर यह गवर्नर जनरल का जो पद है उसी को दे दिया गया। मतलब उसके पास 2 पावर हो गए, एक तो वह गवर्नर जनरल बंगाल बना दिया गया और दूसरा जो है यह कह दिया गया कि आपको कमांडर इन चीफ का पावर भी होगा। तो इस प्रकार से कार्यकारिणी परिषद के सदस्य संख्या थी उसको घटा करके 4 से 3 किया गया। और अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, तो पर्पस था बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर या शक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य ऐसा किया गया था। और मैं आपको यहां पर अगला जो इसमें पॉइंट है वह पॉइंट यह है कि देखिए यह जो व्यवस्था बनाई गई, इस व्यवस्था में आपको यह दिखाई दे रहा है कि कंपनी की तरफ से पूरी तरीके से इसको कंपनी का सरकार की तरफ से इसको पूरी तरह से सही करने की कोशिश की गई थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए कोई भी व्यवस्था बना लो उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। 20 साल बीतने को चार्टर जो कंपनी का 1773 में कहा गया, कंपनी 20 साल अपने चार्टर रिन्यूअल कराए तो चार्टर रिन्यूअल का टाइम आ रहा था 1793 में और इसमें कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उस कमियों को यहां पे 1793 वाले में दूर की गई। मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी आपको मैं बताऊं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर अभी भी नहीं था, उसको कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को उलटने का अधिकार नहीं था। कार्यकारिणी परिषद में अभी भी निर्णय लिए जाते थे आपको बहुमत के आधार पर। दूसरी बात है, कंपनी के कर्मचारी अभी भी चिल्ला रहे थे कि उन्हें प्राइवेट ट्रेड का अधिकार दिया जाए। तो बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई थी जिस कमियों को 1793 के एक्ट के माध्यम से पूरा किया जाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे। अभी आइए मैं आपको एक बार रिकैप कराता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया। देखो मैंने बताया कि 1773 में कंपनी का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, पहला कानून कंपनी गतिविधि संचालित करने के लिए, उसकी अवधि 5 साल रखी गई थी। तो 5 साल आ गया 1778 में और फिर इसके बाद 5 साल बढ़ा दिया गया तो 83 आ गया। जब 83 का समय आया तो कंपनी के लिए नियम बनाने की जरूरत आन पड़ी। उस नियम को बनाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पारित करने के बारे में सोचा और यह कानून जो है 1783 में पारित होना था लेकिन वहां पर यह पारित हो नहीं पाया। तो फिर 1784 में पारित हुआ और इस बिल को लाने वाले जो व्यक्ति थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे। इस कारण इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। फॉलोइंग्स वर द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। नंबर 1, ए न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड बाय द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई निकाय बनाई गई जिसको नियंत्रक मंडल के नाम से जाना जाता है। एंड देयर यूज्ड टू बी 6 मेंबर्स एंड ऑल द मेंबर्स वर गवर्नमेंटल, इसमें 6 सदस्य होते थे, सभी सरकारी लोग थे। तो आप कह सकते हो कि पहली बार कंपनी के शासन प्रशासन में ब्रिटेन की सरकार के लोगों को शामिल कर दिया गया, मतलब सरकार का यहां पर नियंत्रण बढ़ाया गया। चूंकि लंदन में कंपनी को
संचालित करने के लिए दो निकाय हो गए थे, एक तो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल, दूसरा नियंत्रक मंडल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्यूअल गवर्नमेंट इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पीट्स इंडिया एक्ट 1784। और यही कारण है कहा गया 1784 का जो पीट इंडिया एक्ट है उसके माध्यम से दोहरी सरकार लाई गई लंदन में। एक जो सरकार थी वो जो सरकार थी दो सरकार लाई गई, मतलब एक सरकार का जो हेड था वो कंपनी के निदेशक की संख्या 24 थी और दूसरे थे आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग। नेक्स्ट मैं आपको बताना, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि एक सीक्रेट कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इन दैट कमिटी देयर यूज टू बी 3 मेंबर्स एंड देयर वर्क वाज टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक गुप्त समिति बनाई गई, सदस्यों की संख्या 3 रखी गई और यह कहा गया इनका काम होगा कि वे नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल के बीच में वह जो है समायोजन का कार्य करें। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड कम्प्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू दिस टू बॉडीज। जो बंगाल गवर्नर जनरल था इनको इन दोनों संस्थाओं के अधीन रखा गया। लेकिन बताना चाहूँगा कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट की कमियाँ होती है दैट डिस्क्रिपेंसीज दैट लैकुना वाज रिमूव्ड। इस प्रकार के जो दोष होते हैं उस दोष को यहाँ पर दूर करने की कोशिश किया गया। कहा गया बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा जब उसे व्यापारिक मामले में सलाह लेनी होगी तो वह सलाह लेगा निदेशक मंडल से, लेकिन जब प्रशासनिक मामले में सलाह लेना होगा तो वह नियंत्रक मंडल से सलाह लेने का कार्य करेगा। नेक्स्ट जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास वे आर कंप्लीटली सबॉर्डिनेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के पूर्णतः अधीन कर दिया गया। कहने मतलब यह है कि नाउ नॉट ओनली इन एक्सटर्नल मैटर्स बट इंटरनल मैटर्स एज वेल, उनको आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में गवर्नर जनरल से सहमति लेने की आवश्यकता कर दी गई। नेक्स्ट कि इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ डायरेक्टर्स हैड टू टेक परमिशन टू द क्राउन। अगर जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी तो निदेशक मंडल नियुक्ति करता था, लेकिन ताज की अंतिम सहमति की वहां पर जरूरत थी। लेकिन जहां तक गवर्नरों का सवाल है, गवर्नरों की नियुक्ति में इस प्रकार के कोई भी आदेश या किस प्रकार के कोई भी इस प्रकार के किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। बट इन द मैटर ऑफ डिस्चार्ज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द क्राउन इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन जहां तक यह सवाल था कि उनकी बर्खास्तगी का, तो उनकी बर्खास्तगी तब तक नहीं हो सकती थी जब तक ब्रिटेन के ताज की वहां पर अनुमति नहीं मिल जाती। साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ एक्सिक्यूटिव काउंसिल वेयर रिड्यूस टू 3। जो कार्यकारिणी परिषद के लोग थे जिनकी संख्या 4 थी उनकी संख्या घटा करके 3 कर दिया गया, संख्या घटाकर 3 कर दिया गया। एंड इट वाज इंटेंडेड टू इंक्रीज द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसका मुख्य उद्देश्य था गवर्नर के बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि करना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह भी कर दिया गया जो 3 मेंबर होंगे उसमें एक मेंबर होगा जो मुख्य सेनापति होगा, चीफ कमांडर। और जो चीफ कमांडर होगा वह चीफ कमांडर जो होगा उसको भी वोटिंग राइट्स रहेंगे। लेकिन बताना चाहूँगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1785 में यहाँ पे आते हैं, 1786 में यह निश्चित कर दिया, अनिवार्य कर दिया गया कि अब जो गवर्नर जनरल हैं उन्हीं के पास हुए मुख्य सेनापति का पद ही रहेगा। लेकिन सिर्फ यह व्यवस्था दी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही। और इस प्रकार से पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आपका यह है, और इसमें जो भी कमी थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया एक चार्टर के माध्यम से जिसका नाम है चार्टर 1793, जो हम लोग कल की क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी थी और मैं आपको जाते जाते एक बार फिर से मैं एक मंत्र आपसे मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ नेत्र को बंद करके एक मंत्र का उच्चारण करें। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिश्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परब्रह्म भी पूर्ण है और यह प्रकृति भी पूर्ण है, और इस पूर्ण से जब पूर्ण को निकाल दिया जाता है तो पूर्ण ही शेष बचता है। हम सब ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आप सबको ईश्वर का अंश मानते हुए आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।